नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिसंबर 2019 के नेट एग्ज़ाम में अनुच्छेद 351 के बारे में पूछा गया था। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या नियम दिए गए और संविधान में किस संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। आज के इस टॉपिक में एक क्वेश्चन तो नेट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को पढ़कर आज हम दो नंबर पक्के करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद में सारे हिंदी भाषा के नियम कानून बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 343 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 ये है संघ की राजभाषा के बारे में। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों की देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है निर्देश दिया जाए। इसी तरह अनुच्छेद 344 में जो नियम दिए गए हैं वो ये हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। पहला, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। इसी तरह अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। अंगीकार मतलब स्वीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जाता रहा था। इसी तरह अनुच्छेद 346 में जो नियम थे वो ये थे, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का प्रयोग होता रहेगा। दोस्तों, ये अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जितने भी अनुच्छेद अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनके नियम पूछे जाते हैं, जो मैंने इनके नियमों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इनके नियमों को ध्यान से सुने और पढ़ें, जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद करते हैं, अनुच्छेद 347। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधायकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। अनुच्छेद 349। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी। राज्य भाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। इसी तरह अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के अर्थात किसी दुख तकलीफ या शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा
किसी भी भाषा में हो सकती है। पहली, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। दूसरी, भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इस तरह अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए थे वो हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। दोस्तों, अनुच्छेद 351 दिसंबर 2019 में पूछा गया था, तो आप इसको ध्यान में रखें। आगे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है उनको पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जो निम्न हैं। पहली, असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी बोडो, चौथी डोगरी, पांचवी गुजराती, छठवीं हिंदी, सातवीं कन्नड़, आठवीं कश्मीरी, नौवीं कोंकणी, दसवीं मैथिली, ग्यारहवीं मलयालम, बारहवीं मणिपुरी, तेरहवीं मराठी, चौदहवीं नेपाली, पंद्रहवीं उड़िया, सोलहवीं पंजाबी, सत्रहवीं संस्कृत, अठारहवीं संथाली, 19वीं सिंधी, 20वीं तमिल, 21वीं तेलुगु, 22वीं उर्दू। तो दोस्तों, ये 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जो शामिल की गई हैं और एग्ज़ाम में इन भाषाओं के नाम दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा शामिल है या कौन सी भाषा शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 22 भाषाओं को आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन संशोधन के बाद इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गईं जिससे ये संख्या बढ़कर 22 हो गई। इन 22 भाषाओं में जो संशोधन के बाद भाषाएँ शामिल की गई हैं वो ये हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संशोधन में कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सिंधी भाषा जो शामिल की गई 21वीं संविधान संशोधन 1967, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई, मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई, नेपाली भी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई। इसी तरह बोडो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल की गई, डोगरी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल की गई और मैथिली संथाली भी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल की गई भाषाएं हैं। तो दोस्तों, आप इनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैथिली। मैथिली आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल यह हिंदी की एकमात्र बोली है और भोजपुरी हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली है। जनता द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। फिल्म निर्माण की दृष्टि से भी यह बोली सबसे संपन्न है।
किंतु भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। कई बार भोजपुरी भाषा को भी शामिल करके पूछ लिया जाता है कि ये शामिल है कि नहीं है 8वीं अनुसूची में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी चूंकि विदेशी भाषा है किंतु फिर भी यह भारत की राजभाषा हिंदी के समानांतर राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह आज के टॉपिक में हमने हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पढ़ी, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में क्या नियम कानून है वो पढ़े, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उनको पढ़ा, और संविधान संशोधन में कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया ये पढ़ा। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ध्यान में रखें। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक में हम फिर मिलते हैं, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब नए अगले टॉपिक के साथ।